हेलो एवरीवन, मैं प्रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल प्रिया दीप में। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। बाय टाइटल आप लोगों को पता चल ही होगा कि आज का वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मीशो अफोर्डेबल कुर्ता सेट हॉल। सबसे पहले आप इसे देख लीजिए, बहुत ही ज्यादा प्यारा ग्रे कलर का कुर्ता है। आप इसे शादी पार्टी घर में डेली पहन सकते हो। और एक चीज़ और कि अगर आप चाह रहे हो कि आपके पास एक कुर्ता रहे आउट ऑफ स्टॉक रहो तो फटाफट जाकर ऑर्डर प्लेस कर लो, क्योंकि इस टाइम चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो रही हैं। इसका जो फैब्रिक है कॉटन का है, मेरा फेवरेट है। दुपट्टा आपको नेट के फैब्रिक पे मिलता है, जो कि क्वालिटी जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छी है प्राइस के अकॉर्डिंग। एंड आपको कैसा लग रहा है सच सच बताना मेरे ऊपर। मुझे लाइट कलर के कपड़े पहनने पसंद है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं डार्क कलर पहनना छोड़ दी हूँ। लाइट एक ऐसा कलर है, आप दिन में पहनो रात में पहनो परफेक्ट ही लगने वाला है। सो फर्स्ट कुर्ता हमारा ये है। मैंने छोटी छोटी थोड़ा थोड़ा सा ही लुकबुक रिकॉर्ड किया हुआ है। अगर आपको मेरा मेकअप लुक अच्छा लग रहा है ना, ग्लोई ग्लॉसी बिलीव मी, इतना प्यारा लुक है ना, ग्लास लाइक मेरी स्किन ग्लो कर रही है। मैंने बहुत जो चीज़ें लगाई हुई है ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। आप जब सामने से देखोगे तो आपको एग्जैक्ट ऐसा लगेगा कि चेहरा जो है बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा है और कुछ भी फेस पे मेकअप नहीं दिखेगा। तो इस मेकअप लुक के लिए आपको मेरा आज का जो शॉर्ट्स है उसे देखना पड़ेगा। मैं शायद यहाँ यूटन पे मेंशन कर दूँ तो आप जाके देख लीजिएगा, अदरवाइज आप मेरे चैनल पर विजिट कर लीजिएगा। जिस कलर जिसमें ये वाला रहेगा ग्लो ग्लॉसी तो उसमें लिखा ही रहेगा विंटर स्पेशल मेकअप लुक, तो आप देख लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है एक लुक को क्रिएट करने में। सो फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं सेकेंड। तो ये ना पंजाबी मतलब पंजाबी क्या पटियाला काइंड ऑफ इसका जो बॉटम वेयर है वो है। कलर कॉम्बिनेशन आपने देख ही लिया, यहाँ पर देख लो मैं लगा दे रही हूँ लुकबुक तो आपको समझ में आ ही जाएगा, बहुत ही ज्यादा प्यारा है। सच बताओ अगर आप कपड़े लेते हो एंड फिर स्टिचिंग के लिए देते हो ना, तो इसकी जो स्टिचिंग की कॉस्ट होती है काफ़ी ज़्यादा आ जाती है। पहले मैं भी यही करती थी कि कपड़े लेके स्टिच कराती थी, बट अभी आप मुझे देखेंगे कि मैं रेयरली स्टिच वाले कुर्ता पहनती हूँ, क्योंकि यार स्टिचिंग बहुत ज़्यादा महंगी है, खासकर लखनऊ में। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मुझे ना सिलाई सीख ही लेनी चाहिए, हमारे ब्लाउज में भी पैसे बच जाएंगे एंड जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर बताया। अगर आप ब्लाउज, मैं बात करती हूँ गोमती नगर की, यहाँ पर 1500 से 1600 में ब्लाउज है, मतलब ब्लाउज की स्टिचिंग है, सोचो ना इतनी ज़्यादा महंगाई है। और गांव में तो 100-150 में लोग सिल देते हैं, लेकिन ये भी है कि क्वालिटी नहीं दे पाते, लेकिन यहाँ पर क्वालिटी मिलती है, फिर भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है यहाँ पर, मतलब इसकी जो स्टिचिंग कॉस्ट आती है बहुत ज़्यादा हाई है गाइस। सो मैं यहाँ पर सबका लुकबुक लगाती जाऊँगी। तो इस कुर्ता का ना मेरे पास पता नहीं कितने कलर होंगे, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया। इसका जो कॉटन है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है एंड वॉश करने के बाद भी इसका कलर फेड नहीं होता है। आज के इस वीडियो में मैंने आप लोग के साथ 5 कुर्ता सेट ऐड किए हुए हैं। अधिकांश मैं 5 ही ऐड करती हूँ, रेयरली ऐसा होता है कि 4 ऐड कर देती हूँ। मेरे एक वीडियो में आपको 5 कुर्ता सेट देखने को मिलता है। आपको किस तरीके के वीडियोज देखने हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इन दिनों ना मैं थोड़ा सा यूट्यूब पे एक्टिव नहीं हूँ। एक्टिव का मतलब ऐसा है कि एक्टिव तो हूँ बट मैं मेरा काम नहीं कर पा रही हूँ, जो ये सारी चीजें चल रही हैं आसपास सारे लोगों को ही पता होगा। तो उसमें ना दिमाग कैसे परेशान रहता है ना कि कुछ काम करने का मन ही नहीं करता है। बड़ी मुश्किल से तो आज मैंने अपने माइंड को कंट्रोल में किया कि आज मैं किसी का कुछ नहीं देखूंगी, आज मैं मेरा काम करूंगी, क्योंकि भाई काम बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कुर्ता सेट की तरफ, जो कि कुछ इस तरीके से है। इसका दुपट्टा मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, सबके लुक साइड में लगाती जा रही हूँ। अभी जो मैंने पहना हुआ है कॉटन का है और इसका दुपट्टा नेट का है। दुपट्टा थोड़ा सा मेरा इधर उधर भाग रहा है, ये भी बहुत ही ज्यादा प्यारा है। इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा अच्छा है, नियॉन प्लस डार्क ग्रीन, ज्यादा अफोर्डेबल है। एंड आपको किस तरीके के वीडियोस देखने हैं जरूर बताना। मैं ना मिंत्रा फ्लिपकार्ट ये भी करती हूँ, बट रिस्पांस नहीं आता तो इसीलिए नहीं करती। तो अब बढ़ते हैं लास्ट बट नॉट द लिस्ट कुर्ता की तरफ। तो इसका जो मैंने वहां पर देखा था उसे थोड़ा सा अलग है ये, बट कोई नहीं, इतने में हम क्या ही उम्मीद लगा सकते हैं। मैं मेरे हर वीडियो में बोलती हूँ कि जितने पैसे हम लगाएंगे उम्मीद भी हमें उसी के हिसाब से ही करनी है। इसे इतना नहीं कि हम 2000 का लगा रहे हैं, हमें उम्मीद जो है 4000-6000 वाली होगी, तो इतना तो कोई नहीं देगा। बट एक बात ये बात भी सच है, सो आपको ना अफोर्डेबल में अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करता है, मतलब कम रेंज में चीजें अच्छी प्रोवाइड करता है। तो हमारा आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, लॉट्स ऑफ लव। सबका लिंक कमेंट डिस्क्रिप्शन कम्युनिटी पे है, तो आप कहीं से भी जाके ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस।